हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और हमेशा कमज़ोरी महसूस करते हैं, दिन भर शरीर थका थका रहता है, तो अपने शरीर को कैसे हष्ट पुष्ट बनाए और अपने शरीर को पूरे दिन कैसे एनर्जी से भरपूर रखे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिन लोगों को भूख कम लगती है, शरीर दुबला पतला है, या जिन लोगों के शरीर में खाना तो वो अच्छे से खाते हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है, तो दुबलापन हमारे व्यक्तित्व पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ ही कई प्रकार की बीमारियों से भी घेर लेता है। अगर आपका शरीर दुबला है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है जो भोजन को अच्छी तरह से नहीं पचाता और साथ ही भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। जो भी हम खाते हैं तो उसकी एनर्जी पूरी तरीके से हमारे शरीर को खाया पिया नहीं लगता, जिससे कि वजन नहीं बढ़ता है। साथ ही इम्यून सिस्टम भी वीक ठीक से काम नहीं करता, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। अगर शरीर में इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो रोग आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे लंबे समय से इसके मुख्य कारण हैं जैसे कि लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूख कम लगना, हार्मोन्स का संतुलन, दुबलेपन से कई समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि पूरे दिन शरीर में कमजोरी रहना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन, जल्दी बीमार होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, काम करने का दिल नहीं करता है। तो दुबलेपन के लिए सबसे अचूक और कारगर उपाय है खजूर। खजूर में शुगर, विटामिन और प्रोटीन होता है जो वजन को बढ़ाने में सहायक है। दुबले पतले लोग वजन बढ़ाने के लिए रोज खजूर का सेवन करें, इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आलस्य दूर होगा और आपका वजन भी बढ़ेगा और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि खजूर में बहुत सारा एनर्जी लेवल होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो रोज़ खजूर को एक गिलास दूध में उबालकर खाएं। एक दिन में कम से कम आप 4-5 खजूर खा सकते हैं। खजूर की तासीर थोड़ा गर्म होती है तो आप गर्मियों में इसे रात को पानी में भिगो लें और सुबह इसके बीज निकाल कर खा लें, इसकी पौष्टिकता बनी रहेगी। और सर्दियों में आप इसे एक गिलास दूध के साथ उबाल कर खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और दूध के संग खाएंगे, गर्म भी है, सर्दियों में तो शरीर को गर्म तासीर चाहिए ही होती है, और ये कफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी, इससे वो भी दूर हो जाएगी। वजन बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि दूध के और केला खाए, और साथ ही साथ आप घी भी खाएं, घी भी बहुत पौष्टिक है। अंडे खाएं, आलू खाएं, सोयाबीन, पीनट बटर, हरी सब्जियां और बहुत सारे जो सारे अनाज होते हैं, आप सारे अनाज खाएं, वो भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और हो सके तो आप थोड़ा बहुत प्राणायाम भी करें, योगा करें, तो उससे भी हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि दुबले लोग वह प्राणायाम करने से और ज़्यादा दुबले हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप प्राणायाम करने की कोशिश करें, उससे शरीर में आपकी एनर्जी आएगी और आपका जो इम्यून सिस्टम है और जो पाचन तंत्र है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिससे कि भोजन आसानी से पच सकता है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।